स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो एंड वेलकम दोस्तों मेरा नाम है रोहन की और आज आज की जो हमारी सीरीज है जिसका नाम है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स इसमें हम अर्थक्वेक्स के बारे में बात करने वाले हैं लास्ट अगर आपने क्लास देखनी है तो लास्ट क्लास भी देखनी पड़ेगी जहां पर हमने अर्थक्वेक्स पार्ट वन के बारे में बात करी थी दिस इज पार्ट टू प्लीज रिमेंबर दिस तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं किस तरह से होते हैं और वो क्यों आते हैं उसका रीजन क्या है बेसिकली अर्थक्वेक्स आने का ये सब चीजें हम हम लास्ट क्लास में में बात बात कर चुके हैं दोस्तों तो आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो अर्थक्वेक की सरफेस वेव्स होती हैं मैंने आपको बताया था कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनकी वेव्स दो तरह की होती हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो अर्थक्वेक वेव्स हैं वो बेसिकली होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट तेलमी बॉडी वेव्स एंड सेकेंडली सरफेस वेव बॉडी वेव्स में हमने ऑलरेडी पी वेव के बारे में बात कर ली है एंड ऑलरेडी एस वेव के बारे में भी हम देख चुके हैं तो अब हम बात करेंगे सरफेस वेव्स के बारे में कि ये सरफेस वेव्स जो हैं वो क्या होती हैं और उनसे क्या इफेक्ट होता है तो आज की क्लास में हम सरफेस वेव्स के बारे में जानेंगे साथ ही एक अर्थक्वेक को हम कैसे मेजर करते हैं किस तरह से उसको मेजर करेंगे उसके बारे में भी हम आज की क्लास में बात करेंगे हम बात करेंगे बेसिकली रिक्टर स्केल एंड मर्सली स्केल की और उसके बाद एक एमसीक्यू के साथ इस क्लास को एंड करेंगे कई तो क्लास शुरू करने से पहले पहली चीज आप सभी को हैप्पी दिवाली और दिवाली के इस शुभ अवसर पर स्टडी आई आपके लिए लेकर आया है दिवाली ऑफर दोस्तों दिवाली ऑफर में अगर आप कोड यूज करेंगे RT live देखिए कोड बहुत जरूरी है याद रखिए RT आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा और आप स्टडी आईक्यू के लाइव फाउंडेशन बैच में जो कि लास्ट फाउंडेशन बैच है 2023 के लिए उसमें एडमिशन ले सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 17499 सो गाइस दिस इज द

जब भी भूकंप आता है आपको थर्राहट फील होती है आपको शेकिंग फील होती है तो जो चीज आप फील करते हैं वो बेसिकली सरफेस वेव्स हैं दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ ऑल और सरफेस पर दे कवर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस यार पाकिस्तान में अफगानिस्तान में भूकंप आता है और हमें दिल्ली में फील हो जाता है अफगानिस्तान लगभग बारह सौ किलोमीटर चौदह सौ किलोमीटर दूर है काबुल वहां पर अर्थ को एक आया और हमें फील हो जाता है क्यों टेलमी बिकॉज ऑफ बिकॉज इट कवर सरफेस वेव है दे कवर दिस्टेंस यहाँ पर दो तरह की वेव्स हैं सरफेस में. में बात करेंगे द फर्स्ट इज द सेकेंड इज द रेलिक वेव्स दोनों ही नाम जो है वो बेसिकली जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पर रखे गए हैं फाइन तो गाइज जो लव वेवस हैं वो बेसिकली एस वेव्स की तरह ही होती है देखिये एस वेव में बेसिकली क्या होता था पूरी जो बॉडी थी वो वाइब्रेट करती थी। बेसिकली दिस इज़ द बॉडी एंड द वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द ट्रेवल ऑफ द वेव बट ये जो वाइब्रेशन थी ये पूरी बॉडी में हो रही थी बट सरफेस यू नो के केस में ये वाइब्रेशन सिर्फ सरफेस पर आपको महसूस होगी वाइब्रेशन एस वेव की तरह ही परपेंडिकुलर होगी प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग एंड दे आर जस्ट दे travel लाइक लाइट वेव्स फाइन बस ये फर्क है इसके अलावा जो रेलिग वेव्स होती हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी वाइब्रेशन perpendicular भी होती है एंड गाइज ट्रांसवर्स भी होती है सॉरी यू नो पैरेलल भी होती है जिसकी वजह से वहाँ पर जो पार्टिकल मोशन है बेसिकली वो ऐसे सर्कुलर बनता है कोशिश करूंगा एग्जाम्पल तो रखा है आप देख सकते हैं किस तरह से रेलिक वेव्स होती है और रेलिक वेव्स किस तरह से पार्टिकल मोशन जो है वो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक पार्टिकल है एक मॉलिक्यूल है उसमें पैरेलल एज वेल एज परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होती हैं इसकी वजह से गाइज ये कुछ ऐसा देखने को आपको मिलता है Fine. तो ये बहुत ज़्यादा होती हैं आप देख सकते हैं Fine. And next आती हैं आपकी आप अगर देखेंगे रेलिक वेव का बड़ा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिकल मोशन किस तरह से है बिल्कुल जो वाइब्रेशन है वो पैरल भी है एंड वो ट्रांसफर्स यानी कि परपेंडिकुलर भी है इट तो वाइब्रेशन इस लव वेव्स को आप बता सकते हैं कि अगस्त एडवर्ड ह्यूग ने ढूंढा था आप देख सकते हैं नाइनटीन में और इसीलिए इसका नाम लव वेव है कुछ लोग इसका कुछ और ही मीनिंग निकाल सकते हैं इसलिए नाम बताना जरूरी था साइंटिस्ट का वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी परस्पेक्टिव से इसको याद रखना कि किसने इसको ढूंढा था तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो लव वेव्स हैं उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होती है ड्यूरिंग दी अर्थवे का अगर मान लीजिए एक बॉटल रखी है टेबल पर और वो गिरती है वो होती है बेसिकली किसकी वजह से वो होता है लव वेव्स की वजह से वो होता है लव वेव्स की वजह से फाइन और लव वेव्स वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सो दे लव डिस्ट्रक्शन याद कैसे रखेंगे लव वेव्स लव्स डिस्ट्रक्शन फाइन तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो लव वेव्स होती हैं उसका जो यू नो पार्टिकल मोशन है वो बेसिकली अप एंड डाउन होता है लाइक like दिस अगर ये वेव ट्रेवल की डायरेक्शन है इट इज लाइक ट्रांसवर्स वी कॉल की लव वेव थोड़ी लाइट वेव्स की तरह होती है फाइन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बॉडी में नहीं हो रहा है सिर्फ सरफेस पे हो रहा है ना वहीं एस वेव के केस में वो पूरी बॉडी में हो रहा था फाइन तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं गाइज कि ये पी वेव है जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी यहाँ पर पार्टिकल का मोशन क्लियरली आपको दिखता है किस तरह से पैरल है टू दू ट्रेवल कर रही है, देखो। एस वेव में पूरी जो है वो वाइब्रेट कर रही है एंड वेव है उस केस में अगेन जो पार्टिकल मोशन है दैट इज अप डाउन बट इट इज ओनली एट सरफेस इट इज ओनली एट दी सरफेस लेवल एंड इसीलिए गाइस यहां पर ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं एंड हाइएस्ट दे लव डिस्ट्रक्शन दैट्स वाई वी कॉल इट एज लवे सो इन वेव्स के थ्रू किस तरह से हम अर्थ के इंटीरियर को बता सकते हैं वो कैसे है देखिए देखिए जो पी वेवस हैं सबसे पहली चीज देखिये जो तो कोई भी वेव आती है बॉडी वेव खास रूप से जो उनकी स्पीड होती है वो ट्रस्ट के लोअर पार्ट में ज्यादा होती है तो आपको पता है कि जो साउंड है वो एयर में काफी स्लो ट्रेवल करती है अभी आपने बचपन में देखा है जब यू नो गांव वगैरह में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं अगर आपको ट्रेन की आवाज नहीं आ रही तो अगर आप ट्रेन की पटरी पर कान लगा लेंगे ना तो आपको आवाज आनी शुरू हो जाएगी बचपन में आप लोगों ने एक खिलौना भी बनाया होगा जहां पर आपने दो कैंस लिए होंगे और उनको एक तार से जोड़कर फोन की तरह यूज किया होगा है ना तो मेटल के थ्रू या फिर सॉलिड के थ्रू जो साउंड है वो काफी तेज ट्रेवल करती है तो जितनी ज्यादा हाई डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा स्पीड होती है किसी भी वेव की ठीक है तो बेसिकली अगर डेंसिटी हाई होगी तो जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होगी तो आप देखेंगे कि लोअर क्रस्ट में जो वेव्स हैं उनकी स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है और यही रीजन है कि हमने ये बताया कि जो लोअर क्रस्ट है उसकी डेंसिटी अपर क्रस्ट से यानी कि वो क्रस्ट जिस पर हम खड़े हुए हैं उससे ज्यादा है तो सबसे पहले हमने इन्फर किया कि लोअर क्रस्ट इज डेंसियर देन द अपर क्रस्ट बिकॉज लोअर क्रस्ट में जो वेव्स हैं, उनकी स्पीड हाइयर होती है टू अपर क्रस्ट। नेक्स्ट, जैसे ही आप लोअर क्रस्ट को क्रॉस करते हैं आप एस्थेनोस्फियर में पहुंचते हैं। और आपको बताया था मैंने ऑलरेडी कि जो एस्थेनोस्फियर है वो एक लिक्विड वो एक सेमी सॉलिड स्टेट में है एस्थेनोस्फियर दर में सेमी सोलिड स्टेट और वहां पर आप देख सकते हैं जो वेव्स की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है जो ये दर्शाता है कि एस्थेनोस्फीयर इज एन सेमी सॉलिड प्लास्टिक स्टेट नेक्स्ट आप थोड़ा सा अंदर और जाते हैं मेंटल में तो एस्थेनोस्फीयर यानी कि लोअर मेंटल में जो स्पीड है वो वापस से इंक्रीज कर जाती है जो ये दर्शाता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लोअर मेंटल है इनर मेंटल है उसकी डेंसिटी काफी हाई है उसके बाद अगेन जब आप कोर में घुसते हो खास रूप से जो नाइफ का बना हुआ है वहां पर हमने देखा दैट माई डियर फ्रेंड्स द स्पीड ऑफ वेव्स इंक्रीजेज ड्रास्टिकली और जैसे ही यहाँ पर वेव्स की स्पीड ड्रास्टिकली इंक्रीज करती है तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा कोर है वो किसी हैवियर मटेरियल से बना है का तो मतलब वो बेसिकली निकल एंड आयरन से बना है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट वहां सिलिका भी है लेकिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट वहां पर आयरन एंड निकल हैं, जिसकी वजह से हम इन्फर कर सकते हैं कि इसकी डेंसिटी हाई है वहीं दोस्तों आउटर कोर जो कि लिक्विड है आउटर कोर जो कि लिक्विड है जहां पर कन्वेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड की ओरिजिनेट जब एस वेव्स गायब हो जाती हैं है, तो इसका मतलब ये है फॉर श्योर sure, कि ये एरिया लिक्विड है क्योंकि एस वेव आर लाइक लाइट वेव एंड वो लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती दे कैन दे कांट ट्रैवल थ्रू लिक्विड इसीलिए हमने इन्फर किया कि जो हमारा आउटर कोर है दैट इज इन लिक्विड स्टेट इसी वजह से तो हमने बताया ये फाइन। एंड लास्टली गाइस, जो जो पी वेव्स हैं, उनकी हाईएस्ट स्पीड हमें दिखी है वो हमें इनर कोर के अंदर दिखी है इसका मतलब ये है कि जो इनर कोर है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट है और इसी वजह से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता है तो इसी तरह से हमने अर्थ के इंटीरियर को इन्फर किया है उसको बताया है कि वो कैसा है सिर्फ और सिर्फ इन वेव्स की स्पीड को मेजर करके कहां पर ये वेव्स गायब हो जाती है उसको देख कर फाइन तो एक बार इस चीज को थोड़ा सा आप रिवाइज अगर मैं आपको कराऊँ इस पूरी चीज को आपको दोबारा से टोटल यू नो हम इसको एक बार समराइज करने की कोशिश करें तो देखो अगर ये अर्थ है तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोअर मेंटल है यहां पर एस वेव और पी वेव दोनों की स्पीड इंक्रीज होती है इसका मतलब यह है कि लोअर मेंटल की अपर मेंटल से डेंसिटी ज्यादा है उसके बाद एस्थेनोस्फीयर में जब वेव्स पहुंचती हैं, हम इसको पढ़ते हैं वेव्स को पढ़ते हैं एस्थेनोस्फीयर के अंदर हम जब इसको रीड करते हैं ना तो एस्थेनोस्फीयर के अंदर जो स्पीड है वो हल्की सी कम होती है जो दर्शाता है ये प्लास्टिक स्टेट में है उसके बाद मेंटल के अंदर दोबारा से जो स्पीड है वो बेसिकली बढ़ जाती है खास रूप से जो इनर मेंटल है आप इसको लोअर मेंटल इनर मेंटल जो भी कहना चाहते हो कह सकते हैं उसके बाद अगेन जो आउटर कोर है जो कि लिक्विड है ये लिक्विड है आउटर कोर जो लिक्विड है बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स ये जो आउटर कोर है यहां पर एस वेव गायब हो जाती है

डिस्ट्रक्शन कितना होता है वॉट आई विल कॉल इट एज इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन और दूसरा आप देख सकते हैं कि उस अर्थक्वेक की एनर्जी कितनी रिलीज होती है यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी दोस्तों अगर हम डिस्ट्रक्शन से देखें डिस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो स्केल डेवलप किया है गुसेपी मरकल्ली ने ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे सेस्मोलॉजिस्ट थे जो इनका नाम था गुसेपी मरसली तो गाइस यहाँ पर आप इनकी फोटो देख सकते हैं दिस इज गुसेपी मरसली हु हैव डेवलप्ड गुसेपी मरसली स्केल फाइन ये स्केल 1 टू 12 के बीच में किसी भी अर्थक्वेक को रेट करता है इट रेट नी अर्थक्वेक डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन नॉट दी याद रखिएगा तो गुसेपी मरसली स्के अर्थक्वेक को वन टू ट के बीच में एक नंबर अलॉट करता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिस्ट्रक्शन अगर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्ट्रक्शन होती है तो द नंबर विल बी अबाउट ट्वेल्व और अगर मिनिमम पॉसिबल डिस्ट्रक्शन होती है तो नंबर विल बी अबाउट वन फाइन वहीं दोस्तों मूवमेंट या फिर आप बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड स्केल यानी कि जो बेसिकली एनर्जी देखता है हर एक की एनर्जी देखता है उसको डेवलप किया था रिक्टर 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 जी ने ये है फाइन ही वाज अ सेसिमोलॉजिस्ट जिन्होंने ये स्केल डेवलप किया था एंड इट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भाई कितनी ऊर्जा वहां से विमोरित होती है इसके बेसिस पर रिक्टर ने किसी भी अर्थक्वेक को एक से लेकर दस के बीच में नंबर दिए अगर मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी रिलीज होती है तो नंबर अबाउट टेन रहेगा और अगर मिनिमम पॉसिबल एनर्जी रिलीज होती है किसी अर्थक्वेक में तो नंबर जो है वो वन पर रहेगा तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि एक जगह है सहारा डेजर्ट में इसका नाम है टिम्बक टू अब इंडियन कल्चर में हम बोलते हैं भाई कहाँ जा रहे हो कभी गुस्से में कोई आपसे पूछ ले अरे भाई कहाँ जा रहे हो आप थोड़ा चिड़े पे बोलोगे अरे टिम्बक टू जा रहा हूँ अपना काम से काम रखा है <laughs> ना ऐसे आप बोलते हो बहुत बार तो टिम्बक टू बेसिकली इज अ रियल प्लेस इन सहारा डेजर्ट इन माली इन अफ्रीका आप देख सकते हैं तो टिम्बक टू सहारा डेजर्ट में है बहुत लो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है माई डियर फ्रेंड्स बहुत लो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है तो गाइज अगर मान लो ये अर्थ की सरफेस है ये अर्थ की सरफेस है।, है और मान लो कि ये टिम्बक टू है और मान लो ये दिल्ली है This Delhi and that was तो मान लेते हैं गाइज दोनों जगहों पर एग्जैक्टली सेम डेप्थ पर दोनों जगहों पर एग्जैक्टली सेम डेप्थ पर एक सेम एनर्जी वाला भूकंप आता है इस भूकंप की एनर्जी है ए एंड इस अर्थक्वेक की एनर्जी है ई दोनों ही अर्थक्वेक्स की एनर्जी है ई तो बताओ ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहां पर होगा वेयर देयर विल बी भाई टिम्बकटू में तो क्या है एक दो झोपड़ पट्टी होंगी एक दो एक दो यू you नो know, uh, हट्स होंगी भूकंप आएगा थोड़ी बहुत हिलेंगी उसके ऊपर अचार वगैरह बन रहा होगा वो गिर जाएगा नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को थोड़ा हिलेंगे बस और तो कुछ होगा नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स को भी ठेस पहुंचेगी इस भूकंप से और क्योंकि हाई डेंसिटी है तो शायद एक तो दीवारें गिर जाए और कुछ लोगों की डेथ भी आपको देखने को मिल सकती है तो देखो अर्थ को एक बहुत सेम लेकिन अगर हम मरकली स्केल की बात करें तो टिम्बक टू में अर्थक्वेक आया था बिकॉज दिस अर्थक्वेक इट हिट इन टिम्बक टू माइ डियर यहां पर डिस्ट्रक्शन बहुत कम थी तो शायद यहां पर आई विल प्लेस इट एज टू मरसली स्केल वन टू ट्वेल्व के बीच में होता है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत ही मिनिमम था तो मैंने इसको टू बोल दिया वहीं दिल्ली के अंदर डिस्ट्रक्शन काफी हुआ तो शायद मैं इसको सेवन बोल दूं कि भाई इस पैमाने का ये मरसली स्केल पर था आ रही है बात समझ पर एनर्जी तो सेम रिलीज हुई थी आप देख सकते हैं तो जब मैं रिक्टर स्केल की बात करता हूं रिक्टर स्केल वन टू टेन के बीच में होता है तो ई एनर्जी थी डेप्थ भी सेम थी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर यानी कि एपिसेंटर पर एनर्जी सेम रिसीव हुई मान लेते हैं कि ये जो मटेरियल था सॉइल का ऊपर दोनों सेम था तो एनर्जी उसी टाइप से ट्रेवल करी तो यहाँ पर लेट से ये 4.5 पॉइंट रिक्टर स्केल पर तो डेली के अंदर भी 4.5 ही होगा आ रही है बात समझ तो ये डिफरेंस है मरकली एंड रिक्टर स्केल में इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ रेडमी और एम दोनों मोबाइल की ब्रांड्स हैं तो रिक्टर स्केल मेजर्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी वहीं आप देखेंगे एम आई एक और ब्रांड है मोबाइल की मरकली स्केल इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से आप याद रख सकते हैं अबाउट मरकली स्केल एंड अबाउट रिक्टर स्केल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो so, अगर हम कुछ बेसिकली यू नो देखें रिक्टर स्केल को तो आप देख सकते हैं कि रिक्टर स्केल जो है वो बेसिकली लॉग रिथमिक होता है कैरेक्टर में यानी कि मान लीजिए अगर टू रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया और वहां पर एनर्जी रिलीज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सिक्स हंड्रेड किलोग्राम ऑफ डायनामाइट थी तो थ्री पर वो लगभग टेन टाइम्स ज्यादा हो जाएगी फोर पर टेन टाइम्स मोर देन थ्री फाइव पर टेन टाइम्स मोर देन फोर सिक्स पर टेन टाइम्स मोर देन फाइव तो करेक्टर है स्केल का यानी कि हर एक स्केल पर टेन टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज होती है तो यहां पर कुछ अर्थक्वेक्स आज आज था, 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 था वो भी अबाउट नाइन पॉइंट फोर तो रिक्टर स्केल पर हमने नापा था इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आई थी 2004 में यू ऑलरेडी नो दिस थिंग आपने इसके बारे में भी सुना होगा दैट वॉज ऑल्सो एट अबाउट नाइन एट रिक्टर स्केल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यू you नो know, ये सभी अर्थक्वेक्स मैंने मैप किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू रिक्टर स्केल फाइन तो ये चीज है नेक्स्ट हम बात करेंगे एक एम सी क्यू की कंसिडर दिक्टर स्केल इज मैग्नेट्यूड स्केल एंड मरसली स्केल इज इंटेंसिटी स्केल बताए इसका आंसर देखो वही तरीका अपनाओ रियल क्या था रेडमी रेडमी क्या है रिक्टर स्केल इज मैग्नीट्यूड परफेक्ट एंड मर्सली स्केल एम आई मर्सली इज इंटेंसिटी करेक्ट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट आंसर इज सी आंसर इज बेसिकली आती है बात समझ तो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड आप सभी को हैप्पी दिवाली और

एंड कईज अपना सपना आई ए एस बनने का पूरा कर सकते हैं विद दैट थिंग इन माइंड आप सभी को हैप्पी दिवाली स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल